2013 से पहले, ठीक है नीरज जी, 2013 से पहले एक मोमेंटम नजर आ रहा था, जब 30 साल बाद पूरे देश ने एक स्पष्ट जनादेश की सरकार देखी, वो मोमेंटम नजर आ रहा था यूपीए के विरुद्ध। अभी जब हम 2023 में सितंबर महीने में बैठकर बात कर रहे हैं, लगभग 6-7 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में वो मोमेंटम दिख नहीं रहा है विपक्ष का, और आपको दिख रहा है तो किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर, कितनी मजबूती से आप चुनाव लड़ेंगे, मुझे गिनवा दीजिए। गरिमा जी, पहले तो इसके पहले भी स्पष्ट बहुमत की सरकारें आई हैं, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है 1947 से, तो पहली बार ये बहुत बड़ी नायाब चीज़ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई। नहीं देखिए, 30 साल दूसरी बात आपका तो आई ही है। प्रश्न तो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ जाएंगे गरिमा जी। पहली बात तो ये, तुहिन जी की बात मैंने सुनी है और आपका एक परिचय था, ज़्यादा जहीन होने पे कभी कभी आप ज़मीन से कट जाते हैं, दुखद ये है। बहुत सारी इंडेक्सेस की बात हुई तो 2-3 इंडेक्सेस मैं भी रख देती हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम 132वें नंबर पे हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स हम 108 नंबर पे हैं, हमारी सतत विकास दर जो है उसमें हम 121वें नंबर पे हैं, पावर्टी में हम 66वें नंबर पे हैं, निरंतर गरीबी बढ़ रही है, उज्ज्वला गैस योजना की चर्चा हुई, आज हम सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं, ये ज़मीनी हकीकत है। भुखमरी भी हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी होने वाले हैं प्रधानमंत्री का क्रास, तो भुखमरी में भारत क्यों इतने निचले पायदान पे जो इंडेक्सेस हैं उसमें आ रहा है। रोजगार की बात हुई, बताया गया नियुक्ति पत्र, एक बहुत बड़ा भ्रम जाल जो फैलाया गया है, पहले भी प्रमोशंस होते थे, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में होते थे सरकारी नौकरी में उनको नियुक्ति पत्र इशू किए जाते थे, अब तो एक इवेंट बन गया है, सरकार दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च करती है। और हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित रोजगार नहीं चाहिए, लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी चाहिए। वाह, तो आपने 2 करोड़ रोजगार क्यों प्रॉमिस किए अगर आप इतना बड़ा कोई सर्वे चला रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी निरंतर रोजगार में कम हो रही है, आपने कहा कोविड में हमने बेहतरीन काम किया, कोविड में हाँ आपने किया, दवाई मिल नहीं रही थी, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त थी, एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, हमें अंतिम संस्कार करने की जगह भी नहीं मिल रही थी, ये भी इसी सरकार में हुआ है। टीका आपने जरूर लगवाया, पहले भी टीकाकरण अभियान चल चुके हैं, पोलियो टीकाकरण अभियान, तो 2014 में अचानक लोकतंत्र भारतवर्ष में नहीं आ गया, बहुत सारी संपत्तियां। लेकिन जूही जी, यहीं से तो मोमेंटम पकड़ना था विपक्ष को, और क्या विपक्ष उसमें फेल दिख रहा है, क्या विपक्ष उसी मोमेंटम को पकड़ने में फेल दिख रहा है, तस्वीर जो एक जनता के सामने जानी चाहिए थी। गरिमा जी, समय पर वो आपको ज़मीन पर भी दिखेगा। विपक्ष का गठबंधन बना ही इसलिए है, जो हमारे समान विचारधारा की पार्टियां हैं, कि हम एक साझा कार्यक्रम बनाएंगे और एक मजबूत विकल्प और साथ ही अपनी एक पूरा रोड मैप जनता के सामने रखेंगे। जिन मुद्दों पर आप बात कर रही हैं, जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, वो ज़मीन के मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार हो गई, आज सरकार हो गई, अभी तारीख ही मिल रही है कि गड्ढा मुक्त होगा, अब नई तारीख मिल गई है कि फिर सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, इस तरह की तो सरकार है। G20 ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे भाजपा के मित्र को ये भी पता कर लेना चाहिए कि G20 में जिससे जिससे आपने काम करवाया, क्या उसका भुगतान आपने कर दिया है? ये तो हमारी बड़ी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने वाली है। क्योंकि गरीबी की बात कर रहे हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं।